नमस्कार दोस्तों, मैं मीना, मेरे चैनल क्रॉच एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आप नए नए डिजाइन देखेंगे, तो आइए मेरे साथ जुड़िए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिकॉक फैदर, लेकर आई हूँ स्मॉल, और मैं इसमें बनाऊंगी हेडिंग से। ये मुझे रिंग चाहिए, आप मेटल का भी रिंग ले सकते हैं, आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, आप इससे थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं। अगर आपको बड़ा फैदर बनाना है तो आप उस बड़ा भी ले सकते हैं, कोई भी थ्रेड ले सकते हैं। ये मैंने मल्टी कलर का थ्रेड लिया है, ये मैं इससे बना के आपको दिखा रही हूँ। पूरी लाइन, पूरा इसको मुझे कवर करना है, हाफ डबल करोशिये से। ये देखिए, हाफ डबल करोशिये से इसको मुझे रिंग को पूरा कवर करना है। ये देखिए इस तरह से, ये मेरे को पूरा रिंग कवर करना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखिए मेरा रिंग पूरा हो गया है, इसको पूरा कवर करना है। अगर आपका धागा पतला है तो आपके ये 25 भी आ जाएंगे, 20 भी आ जाएंगे हाफ डबल करोशिया। मेरे इसमें 18 आए हैं, और ये मैं यहाँ पे इसको पहले वाले से इसको स्टिच करूँगी। ये देखिए बंद कर दिया मैंने, अब मेरे को ये देखिए, अब ये मुझे जो मेरे सारे ये हैं, एक में से दो दो सिंगल स्टिच लेना है, हर चैन में से दो दो लेना है। ये देखिए और ये दो दो लेना है एक में से। ये देखिए, और ये मुझे चार लेने हैं, 1 2 3 4, मतलब ये 8 बनाने हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये देखिए यहाँ मैंने सिंगल लिया था, यहाँ पे मुझे हाफ लेना है एक में, फिर उसके बाद फिर एक और हाफ लेना है उसी में से, चैन में से एक डबल लेना है। ये देखिए फिर मुझे डबल लेना है, अब मेरे को ट्रिपल लेना है। ये देखिए दो बार मैं बन लूंगी, और इसी में से एक दो तीन, ये मैंने ट्रिपल ले लिया। अब आप देख लेंगे कि जितने मेरे यहाँ पर हैं उतने ही यहाँ पर होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 18 लिए थे तो 9 इधर होने चाहिए, 9 इधर होने चाहिए। तो मेरे देखो कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है अभी। अभी आप ये देखिए, फिर ट्रिपल लेना है, देखिए फिर इसमें से एक और लेना है, ये देखिए इस तरह से आएगा। दो चैन लेनी है अब इसमें से, फिर इसी में से जिसमें से मैंने दो लिए हैं ट्रिपल, इसी में से दो ट्रिपल और लेना है। ये देखिए ये इस तरह से मेरा आएगा। ये देखिए फिर उसके बाद एक और ट्रिपल लेना है, फिर इसी में से जिसमें से ट्रिपल लिया है मैंने
उसमें से मुझे हाफ लेना है, फिर दो हाफ लेने हैं, ये देखिए एक दो, डबल क्रोशिया लेना है, ये देखिए फिर एक और लेना है डबल क्रोशिया, फिर इसी में से मुझे हाफ लेना है, फिर इसमें पीछे उसके आगे वाले में दो हाफ लेने हैं डबल क्रोशिया, ये देखिए फिर अगली चैन में से मुझे एक लेना है, ये देखिए इस तरह से आएगा कुछ, ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा, फिर अब सब में से सिंगल लेना है, ये देखिए सारे में सिंगल क्रोशिया करना है, देखिए ये इस तरह से आएगा, ये देखिए ये मेरा यहाँ पर आ गया, अब मैं इसको यहीं पर ही बंद कर दूंगी, ये देखिए मेरा ये इस तरह से बना है। अब अगली लाइन मुझे कैसे करनी है, एक चैन लेनी है और पूरे में पूरी लाइन यहां से लेके पूरी फुल यहां तक ये देखिए पूरी लाइन मुझे ये हाफ क्रोशिया करना, ये देखिए ये देखिए ये पूरी लाइन मुझे ऐसे करना है, मैं बताती हूँ इसके आगे, यहां देखिए यहां तक मैंने इसको सिंगल लिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया यहां तक लूंगी मैं, जैसे यहां पर लिया है मैंने वैसे ही यहां पर लूंगी, ये देखिए, और जो यहां पर मैंने ये यहां पर जाली ली थी तो दो इधर हाफ क्रोशिया डबल हाफ क्रोशिया लूंगी, दो इधर लूंगी, बीच में एक चैन लूंगी और बाकी पूरा फिर मैं इस तरह यहां तक बनाऊंगी, मैं उसके बाद आपको बताती हूँ। ये देखिए मेरा ये बन गया पूरा, अब मैं यहां पर देखिए और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, मैंने एक चैन लिया है यहाँ पर और यहाँ पे सिर्फ स्लिप स्टिच लिया है, एक दो तीन चार पांच छः सात और ये आठ, यहाँ पे देखिए ये मैंने इस तरह से लिया है, यहाँ पे मैंने सिंगल स्टिच लिया लास्ट में, उसके बाद क्या करना मुझे किनारी बनानी है, एक दो तीन चार, ये चार लेके ये देखिए पहले मैं से ऐसे निकालना है मुझे इसको और फिर ये पूरा स्लिप करना है इसमें फंदे में से, ये देखिए ये बन गया मेरी किनारी, ये देखिए ये बन गई, ये इस तरह से मुझे बनानी है, फिर एक चैन लेनी है, ये देखिए
ये इस तरह से बनानी है। अब ये मैं पूरा यहाँ तक आपको, यहाँ पे मेरी 1 2 3 4 आठ आएंगी, यहाँ पर आठ आएंगी और यहाँ तक पूरा मैं आपको ये करके बताती हूँ। ये देखिए अब ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूंगी, यहीं से मैंने शुरू किया था यहीं पर ही मैं इसको बंद कर दूंगी। ये देखिए अब मैं यहीं पर इसको कट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने अब ये कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे लेके इसको बंद कर दूंगी। ये देखिए ये इसको मैंने यहाँ पे ये बंद कर दिया। अब मैं बाद में ग्लू लगा के इसको सारे इसके सिरे पीछे कर दूंगी। अब ये देखिए ये मैंने मल्टी कलर का बना रखा है, ये मैंने सिल्वर कलर का बनाया है। अब मैं इसमें देखिए ये लगाऊंगी, आप चाहे शीशा लगा लीजिए और इसके अंदर ये लगाएंगे, आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए इसमें ये भी लगा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। अब आप बताइए आपको ये मिनी फैदर कैसा लगा। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी मेरे नए दर्शक हैं और नई नई वीडियो देखना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।